सो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे चैनल पे। और आज हम बनाने वाले हैं लाइटनिंग सीलिंग लैम्प। जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया होगा, हम बना रहे हैं सीलिंग लैम्प पेयर ऑफ टू। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी कंटेनर ले लिया है जूस का, क्योंकि ये हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से बनाने वाले हैं। तो इसमें हम वेस्ट मटेरियल की जितनी हो सके उतना यूज़ करेंगे। सो गाइस, मैंने इसको काटना शुरू कर दिया है। इसको काटना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट हाउएवर आई डिड इट। तो गाइज, ये कट चुका है, अंदर से कुछ ऐसा है। तो मुझे दो लैम्प बनाने हैं, तो मैंने दूसरा कंटेनर भी सेम उसी उसमें काट लिया है। गाइज, अब बारी है इनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल की, जो काम करेंगे हमारे स्ट्रॉ। मेरे पास स्ट्रॉज नहीं थे, तो मैं पैकेट लाया हूँ मार्केट से, जो मुझे लोकल स्टेशनरी पर 15 रुपये का मिल गया था। इसमें 175 स्ट्रॉज है एज इट मैंशन ऑन द पैकेट। गाइज, अब लगाते हूँ मैं इसके ऊपर स्ट्रॉ। सबसे पहले वो लैम्प को एक अच्छा फिनिशिंग पाइपिंग वाला लुक देने के लिए स्ट्रॉ सारे अलग से निकाल के रख लेने हैं। इसको हमें ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करने, काफ़ी ज़्यादा आराम से ही आपको काम करना है, क्योंकि स्ट्रॉ काफ़ी ज़्यादा थिन प्लास्टिक के हो सकते हैं, क्योंकि ग्लू गन हॉट होती है तो उसकी वजह से स्ट्रॉ पिघल भी सकते हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कामली पीसफुली काम करा था, जिससे मैंने एक एक स्ट्रॉ लेके उसको आराम से चिपकाया था, ताकि मुझे स्ट्रेट अप लाइन मिले, कोई स्ट्रॉ ऊपर नीचे ना हो, ताकि लैम्प की शेप ना बिगड़े। तो मैं काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे एक एक डॉट रख रहा था हल्का सा ग्लू गन का, ताकि स्ट्रॉ चिपक जाए सिंगली। बट ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी प्रोसेस। मैं आपको पूरी प्रोसेस तो नहीं दिखाऊंगा, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप भी इसको ज़्यादा ढंग से समझ सके। तो गाइस, जब तक मैं स्ट्रॉ स्टिक कर रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कॉमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरे DIY। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए यहीं पर हूँ। तो गाइस, इसको ऐसे देख सकते हैं, मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके सारे स्ट्रॉ चिपका लिए हैं। ये लाइन से मैंने सारे स्ट्रॉ पहले ऊपर से ग्लू गन करे, फिर नीचे से, ताकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो गाइस, मैंने अब सारे कोनों को कवर कर दिया। ये कुछ इस तरह दिख रहा है, मुझे पता है इसमें विजिबल हो रहा है अंदर का कंटेनर, बट हम इसको ऐसे नहीं छोड़ने वाले। हम इस पर अब करेंगे पेंट, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ हमारा पेंट। उससे पहले हम करेंगे इसको, जो भी अनइवन से स्ट्रॉज हम उसको कट कर लेंगे, ताकि यू नो काफ़ी ये लुक ना आए मैसी सा, कि एक स्ट्रॉ ज़्यादा नीचे एक ऊपर है। तो पहले तो मैंने इसमें कोशिश करी कि मैं इसको कुछ अच्छा सा स्लाइंटली लुक दूं, बट वो भी आइडिया कुछ काम नहीं आया। तो फिर मैंने सोचा इसको प्लेन ही रखते हैं, ये ज़्यादा कुछ बेटर लगेगा, क्योंकि स्लाइंटली लुक से अच्छा मुझे लगता है मॉडर्न में आजकल प्लेन में ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो इसलिए मैंने ये इसको प्लेन रखने की कोशिश करी है। सो गाइस, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ हमारा ब्लैक कलर, जो एक्रेलिक ब्लैक कलर है, फैब्रिक पेंट भी इसको कहते हैं। सो गाइस, इसको मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अगर एक बार हो जाता है तो ना इसको छूटने की कोई प्रॉब्लम होती, ये काफ़ी ज़्यादा परमानेंट रहता है। तो मैं धीरे धीरे इस पर सारे पेंट करूँगा। एक पेंटिंग इस पर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज जो स्ट्रॉ है वो प्लास्टिक के, और प्लास्टिक पे पेंट ज़्यादा जल्दी नहीं होता। क्या कहते हैं, अगर कंपेयर करें कपड़े पे या वुडन पे करते हैं तो ज़्यादा जल्दी बैठ जाता है, पर इसमें मुझे डबल से ट्रिपल कोट मारने पड़े, क्योंकि पहले मैंने एक कोट मारा, फिर उसको थोड़ी देर वेट करने दिया, फिर मैंने दूसरा कोट के ऊपर करा, वरना पेंट आगे पीछे हो रहा था। वैसे ही मैं कुछ पेंट आपको करके दिखा रहा हूँ, आप इसको डैप डैप करके भी कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर हो जाएगा। तो मैंने इसमें पेंट करने में कम से कम मुझे आधा से पौना घंटा लगा, क्योंकि मुझे वेट भी करना पड़ रहा था ताकि ये सूखता रहे। सो गाइस, मैंने आपको एक साइड पेंट करके दिखा दिए, और ये मैंने वीडियो को बीच में पॉज करा था और मैंने पूरी तरीके से इसको पेंट कर दिया। सो गाइस, ये कुछ इस तरह लग रहा है, काफ़ी सुंदर शाइनिंग लुक दे रहा है, बट ये अभी इनकम्प्लीट है। मैं इसमें होल करने वाला हूँ, मैंने अपने सीजर या पेंसिल, आप किसी की मदद से, आपको भी पतला सा होल करना है, जिसके सहारे आप यू नो कोई भी रस्सी या वायर सी थ्रू कर सके। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा होल कर रहा हूँ। होल करना इसमें भी थोड़ा डिफिकल्ट था, बिकॉज उसका नीचे वाला साइड था वो काफ़ी ज़्यादा थिक मटेरियल का था। तो गाइस, ये मैंने सिंपल प्लेन पुरानी वायर पड़ी थी वो ली है, ये जो हमारी LED फेरी लाइट्स होती है उसकी वायर है। तो इसमें मैंने फेरी लाइट डाल दी है, इसको मैं वहाँ से निकाल के वहाँ पर इसमें नॉट बांधूँगा। तो नॉट बांध के फिर हम इसको अगर हैंग करेंगे तो लटका रहेगा, और इसकी गिरने के या निकलने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। आपकी इसको नॉट काफ़ी ज़्यादा अच्छी और बड़ी बांधनी, क्योंकि जो आपका होल है उससे बड़ी नॉट होनी चाहिए, वरना वो होल में से नॉट बार बार निकलेगी। तो मैं यहाँ पर इसकी नॉट ही बांध रहा हूँ, बट इस वायर के साथ बांधना बहुत डिफिकल्ट था, ये बार बार टूट रही थी, बट समहाउ आई मैनेज्ड इट। तो गाइस, ये
नॉट बांधने में टाइम लग ही रहा है, बट मैं आपको बता दूँ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगे, आपकी मेहनत वसूल होगी। सो गाइस मैंने इसमें नॉट बांध दिए, कुछ ऐसा लग रहा है, इसकी नॉट एक तरफ से ऐसी है, मैंने इस वायर पे ब्लैक पेंट कर दिया है। तो अब बारी है हमारे दूसरे लैंप की। सो गाइस मैंने दोनों लैंप रेडी कर लिए हैं, ये मैंने बाद में रेडी करा था एक आपको दिखाने के लिए। सो गाइस इसमें करेंगे वो ऊपर प्लेटिंग, इसमें मैं प्लेट लगाऊंगा, इस पर ब्लैक पेंट कर दूंगा, देख लीजिए। सो गाइस ये मैंने प्लेट लगा दी ऊपर कार्डबोर्ड से, उस पर ब्लैक पेंट कर दिया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट डाउन कैसा लगा आपको ये।